हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सेल में। आज हम बात करेंगे जील एक्को लिमिटेड के बारे में। देखेंगे क्या इसमें जो है फैसेंटी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या ये टाइम है इसमें, बेस्ट टाइम है फैसेंटी लेने का। साथ ही साथ फंडामेंटल फाइनेंशियल पोजीशन को भी आज हम जो डिस्कस करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे कि कंपनी ने जो स्प्लिट किया था, जो कंपनी पहले जो है फ्राइडे को स्प्लिट कर रही थी, जो कि कंपनी ने जल्दी, फ्राइडे को हॉलीडे था उसके कारण कंपनी ने जो स्प्लिट जो अपना जल्दी कर दिया था 14 अक्टूबर को। तो कौन कौन जो एलिजिबल था स्प्लिट के लिए, तो उसके ऊपर भी आज जो है बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसे कि अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, जील एक्को लिमिटेड के बारे में, इट इज़ अ एक्वा कल्चर कंपनी एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ श्रिम्प इन गुजरात। श्रिम्प हार्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग यूनिट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनी का बिजनेस, अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, तो इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 111 करोड़ रुपए की यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका करेंट प्राइस लगभग 8.80 रुपये चल रहा है। स्टॉक भी अगर हम देखें तो 45.3 है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। स्टॉक भी अगर हम देखें, बुक वैल्यू कंपनी की लगभग 4.61 रुपये है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROE कंपनी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 11.6% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम बात करें 7.52%, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग 1 रुपये इसकी जो फेस वैल्यू है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार है कंपनी। फंडामेंटल्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके कॉम्पिटिटर की, तो यहाँ पर आप देखें तो कंपनी जो है अपने 5th नंबर पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने बिजनेस में। एंड साथ ही साथ अगर हम इसके P&L अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पे आप देखें कंपनी के मेन बिजनेस से कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। एंड साथ ही साथ अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो ग्रो कर रही है। और अगर हम इसके बारे में बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो लगभग 68.42% की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, एंड पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 31.58% की पब्लिक होल्डिंग है। तो अगर हम देखें तो कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कॉन्स्टेंट चली आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 68.42% काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, कंपनी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट में है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करी है, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर हम देखें कंपनी जो ओवरऑल अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन क्या अभी इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो अभी जो शेयर का प्राइस है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, यानी कि अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी जो आप इस शेयर में फ्रेश एंट्री ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लगभग आप जो इस शेयर में फ्रेश एंट्री 6 रुपये के करीब, यानी कि अराउंड 6 रुपीज़ के अराउंड आप जो इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अभी ये जो प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे और गिरेगा, लगभग 6-5 रुपये के करीब आसपास जा सकता है। उस टाइम आपको जो फ्रेश एंट्री लेनी है, अभी जो आप फ्रेश एंट्री ना लें, क्योंकि अभी ये प्राइस जो है ओवर वैल्यूड है, तो इसलिए अभी फ्रेश एंट्री ना लें। अब हम चलते हैं उसके ऊपर कि कौन कौन जो है एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए। तो जैसा कि अगर हम देखें, कंपनी ने जो स्प्लिट करा था 10 रुपये की फेस वैल्यू थी जिसको स्प्लिट कर गया, अब जो है कंपनी की जो न्यू फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कंपनी स्प्लिट कर रही थी वो 15 अक्टूबर के आसपास जो कर रही थी, फ्राइडे वाले दिन, लेकिन फ्राइडे को हॉलीडे के कारण कंपनी ने जो है स्प्लिट जो 14 अक्टूबर 2021 को करना पड़ा था। उसकी वजह से कौन कौन एलिजिबल होगा, किस किस को ये जो स्प्लिट मिलेगा, उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो अगर आपने 14 अक्टूबर से पहले शेयर को बाय करा है, अगर आपने 14 अक्टूबर से पहले, अगर आपने 13 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को इस शेयर को बाय करा है, तो आप जो एलिजिबल होंगे स्प्लिट के लिए, तो आपका जो शेयर है वो स्प्लिट होगा। अगर आपने 14 अक्टूबर को बाय करा है, तो आपका जो शेयर है वो स्प्लिट नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि स्प्लिट जो है 14 अक्टूबर से पहले अगर आपने बाय करा होगा, तो आपका शेयर जो स्प्लिट होगा। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी के ऊपर, कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी है। तो इसमें जो अभी आप फ्रेश एंट्री ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो अभी शेयर का प्राइस है वो हाई लेवल पर है अपने, यानी अभी जो ओवर वैल्यूड है। तो लगभग मैंने आपको बता दिया 6 रुपये के अराउंड जो आप इसमें फ्रेश एंट्री लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मैं आपको बता दूँ, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगी एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म। आप किसी भी कंपनी को ले लो, अगर कंपनी ने लॉन्ग टर्म में जो ये शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और काफ़ी अच्छा यहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।